की वजह से हमने वो आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ के हम चले गए थे और मैंने कहा था नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं आच्छादक फलन को क्या करूँगा परिभाषित करूँगा चलिए शुरू करते हैं आच्छादक फलन शुरू करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जरा गौर से देखिएगा देखिए ये जो फलन है ये इसको भी तो समझना ज़रूरी है हालांकि आप लोगों को पता है फलन क्या होता है फिर भी मेरा आ, एक कर्तव्य है एक एक ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि फलन होता क्या है फलन का मतलब देखिए इसको हम y बराबर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ये कोई एक मशीन है इस मशीन के अंदर अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ वो इनपुट मान लीजिए एक्स है और आउटपुट मुझे मिलता है वाई के अंदर तो इस तरह की विधि को हम क्या बोलते हैं इस तरह की विधि को हम बोलते हैं फलन ठीक है तो बेसिकली फलन होता क्या है अगर कोई हम इनपुट देते हैं इनपुट का मतलब हम कोई आ, मशीन के अंदर सपोज कर लीजिए कोई वॉशिंग मशीन है उसमें हम गंदे कपड़े डालते हैं ठीक है ठीके? तो वो गंदे कपड़े एक्स हो गए मशीन क्या करती है उन गंदे कपड़ों को धोती है धोने को हम क्या बोलते हैं फलन बोल देते हैं अब धोने के बाद जो धुले हुए कपड़े मिलेंगे हम उसको क्या बोलेंगे वाई बोलेंगे ठीक है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं इस तरह की पूरी विधि को पूरे आ, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फलन कहते हैं ये तो फलन की एक बेसिक डेफिनेशन है जो सबको पता है ठीक है उसके बाद एक और बात बहुत ज़रूरी है मुझे बताना आ, मेरा मुझे ऐसा लगता है ये अगर बात अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पहले आ, एक एक और अच्छा तक फलन पढ़ना अच्छी बात नहीं होगी हालांकि मुझे कल बता देना चाहिए था बट मुझे लगा कि पहले समय के हिसाब से पहले मैंने एक एक ही को समझाना अच्छा समझा लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक्स और बता देना चाहिए एक एक और अच्छा तक से पहले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात आप लोगों को जानना जरूरी है कि फलन का परिभाषा जो मैंने आपको एक चित्र के द्वारा समझाया मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी या एक्स को हम नॉर्मली स्वतंत्र चर कहते हैं क्योंकि ये कोई भी मान ले सकता है कुछ भी कुछ भी मान ले सकता है और ये जो कहलाता है आपका आश्रित चर कहलाता है क्यों ठीक है क्योंकि स्वतंत्र चर के ऊपर ही इसका मान निर्भर करता है इसलिए इसको आश्रित चर बोलते हैं और ये जो एफ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम विशेष संबंध से बताते हैं और यही विशेष संबंध यही विशेष संबंध आपका क्या कहलाएगा यह विशेष संबंध आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों फलन कहलाएगा क्या कहलाएगा आपका फलन कहलाएगा जरा गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्वतंत्र चर और आश्रित चर हैं उन दोनों के मध्य एक विशेष संबंध पाया जाता है उस विशेष संबंध को हम क्या बोलते हैं फलन बोलते हैं ये फलन की परिभाषा हुई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए एक और स्लाइड ऐड करते हैं आ, फलन को पहचानना कि फलन है या नहीं है इसको मैं आपको बहुत ही इजी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा सरल भाषा में कैसे आप देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सपोज़ कर लीजिए दो समूचे हैं ठीक है थोड़े ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको ए और बी मान लीजिए उसमें कुछ अवयव है एक दो तीन चार कुछ भी अवयव ठीक है थीके? और यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पर भी कुछ अवयव है ठीक है अच्छा इसमें मैं क्या करता हूँ इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि चित्र को देख आप बताइए कि कौन सा दिया गया चित्र फलन है और कौन सा फलन नहीं है अगर फलन है तो आगे हम फलनों के प्रकार में आगे बढ़ेंगे और अगर फलन नहीं है तो आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है तो फलन के प्रकार समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है तो फलन के प्रकार समझने से पहले पहले पहचानना सीखिए कि फलन है या नहीं है तो फलन कैसे होगा क्यों होगा ये मैं भी आपको समझा रहा हूँ लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से यही कहूँगा इस आ, आ, वीडियो को आप जितना हो सके लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच में इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मेरी कोशिश एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और मेरा उद्देश्य ही ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है इसको समझाने में है इस डिफ़िकल्ट टॉपिक को सरल भाषा में समझाने का मेरा उद्देश्य है और मेरा उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे मेरा उद्देश्य सफल हो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को जल्द से जल्द आगे तक पहुँचाएँ आगे तक वायरल करते रहें ठीक है तो चलिए इसी के साथ हम समझते हैं कि फलन होगा या नहीं होगा ये कुछ मैंने चर मान लिए इधर अच्छा मैंने वो लिखा नहीं है एक्स वन एक्स टू ठीक है ना क्योंकि इसको मैं अलग तरीके से कुछ समझाना सभी एक्स वन एक्स टू लेते हैं वाई वन वाई टू लेते हैं फिर मैं क्या कर रहा हूँ मैं भी वही चीज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ रेड कलर से बता दे यहाँ ब्लू कलर से बता दे अच्छा इसमें क्या है इसमें मैं एक गोली एक बंदूक और एक गोली वाला एग्जाम्पल लूँगा मैं ठीक है देखिए क्या है ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर इसकी इसने इस व्यक्ति को क्या मारी गोली मार दी चलिए उसके बाद ये भी व्यक्ति क्या कर रहा है इसको गोली मार रहा है चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं फिर ये भी मार रहा है गोली फिर ये भी मार रहा है गोली तो इसका मतलब ए के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो बी के अंदर जितने भी उपस्थित व्यक्ति हैं सबको गोली मार सकता है या कुछ को छोड़ भी सकता है लेकिन ए के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सब के हाथों में बंदूक होनी चाहिए ठीक है क्या होनी चाहिए बंदूक होनी चाहिए सदस्य समूचे बी के अंदर हो सकता है कुछ सदस्य बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई जिसको गोली लगनी है उसको गोली लगेगी जो बचेगा जो बच जाएगा समूचे बी के अंदर ठीक है ना लेकिन समूचे ए के अंदर ये जरूरी है आवश्यक शर्त है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जितने भी सदस्य समूचे एम है उनके हाथ में गोली होनी चाहिए गोली मतलब बंदूक होनी चाहिए ठीक है तभी हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन दिया गया जो भी आपका विशेष संबंध है वो क्या है फलन होगा दिया गया विशेष संबंध ही क्या होगा आपका फलन होगा तो ये आपका फलन हो गया ठीक है और देखते हैं और कौन से हैं जो फलन होने की कंडीशन को भी बताते हैं ठीक है इसी के अंदर मान लीजिए इसी चित्र में मैं क्या करता हूँ? एक ऐसा मान लेते हैं ठीक है ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ये अगर मैं इसी चित्र में ऐसा एरो बना दूं कि ये जो है इसको बन इसको तो गोली मार ही रहा है साथ में ये जो बच गया था इसको भी गोली मारता है तो अब आप मुझे बताइए अगर आप सभी आ, देख पा रहे हैं अच्छे से मेरे ख़्याल से बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं ठीक है ना कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम नहीं देख पाएंगे ठीक है अब आप जरा गौर से देखिएगा कि अगर ये सदस्य इसको गोली मार रहा है तो अगर इसको भी गोली मारता है जो बच गया था तो अब अब मुझे बताइए कि यह फलन होगा या नहीं होगा ठीक है अब मुझे बताइए ये फलन होगा या नहीं होगा तो आप लोग देखिए ज़रा अब ये फलन हो नहीं सकता सर ये फलन क्यों नहीं हो सकता आप ज़रा हमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए कि ये फलन क्यों नहीं हो सकता मुझे आप ये बताइए ज़रा ये बताइए कि फलन क्यों नहीं हो सकता ठीक है आप मुझे ये बताने का कष्ट करें सर कि ये ये फलन क्यों नहीं हो सकता ठीक है और इसी चित्र में एक और अलग से बताता हूँ अलग से और चित्र बना देता हूँ यही सेम उदाहरण लेते हैं ए और बी यहाँ पर कोई फलन दे दिया। एक दो तीन चार ठीक है एक दो तीन चार पाँच चलिए एकदम सही है अब देखिए अब आप बताइएगा आप बताइएगा क्या ये भी फलन होगा या नहीं होगा ठीक है अच्छा इसका एक अलग से और बता देते हैं यहाँ पर आ, थोड़ा सा इसको अलग डायग्राम में आपको समझा दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये एक बार में तो फलन हो गया और एक बार में नहीं होगा तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इसलिए मैं अलग से बना देता हूँ एक, दो ठीक है और यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच ठीक है ये आ गया ये यहाँ पर ये यहाँ पर ठीक है तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये फलन का है एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ आप देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार और यहाँ लिख रहे हैं अपन एक दो तीन चार पाँच ठीक है अब देखिएगा अब देखिए ये ये चित्र संख्या एक ये चित्र संख्या दो और ये चित्र संख्या तीन तो पहले वाला तो आपको समझ में आ गया कि पहले वाला फलन क्यों है दूसरे वाले में किस तरह से समझते हैं कि दूसरा वाला फलन होगा या नहीं होगा मैं आपको आराम से बता सकता हूँ कि दूसरे वाला फलन नहीं होगा क्यों नहीं होगा दूसरे वाला फलन क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर समूचे ए के अंदर एक ही अवयव दो बार रिपीट हो रहा है एक ही अवयव दो बार रिपीट होने का मतलब ये जो आपको इंसान दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के अंदर ये दो बार आ रहा है एक बार इसको भी गोली मार रहा है और एक बार इसको भी गोली मार रहा है तो ऐसा संभव नहीं है ऐसा संभव नहीं है रियल लाइफ में संभव हो सकता है बट फलन के अंदर इस तरह की कंडीशन हमारी अलाउड ही नहीं है ठीक है अनुमति नहीं है इस तरह की कंडीशन का शर्त का तो इसका मतलब ये वाला जो है ये हमारा फलन बिल्कुल भी नहीं है कारण मैंने बता दिया है समूचे एक के अंदर जो सदस्य है वो दो जनों को गोली मार रहा है एक इसको और एक इसको ठीक है ना और एक ही व्यक्ति मार रहा है ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे ठीक है जो मैंने सर्कल किया है ये ऐसा संबंध यहाँ पर अलाउ नहीं करता है बिल्कुल नहीं करता अतः हम ये कह सकते हैं कि ये फलन नहीं होगा जबकि सर इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या होगा कि यहाँ देखिए सभी सबको क्या कर रहे हैं ये गोली मार रहे हैं सबका अलग अलग ये इसको कर रहा है और ये इसको कर रहा है इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पर समूचे ए के सदस्य रिपीट नहीं होंगे दोबारा दिखेंगे नहीं लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारे सदस्य समूचे ए के अंदर एक एक बार ही मतलब आपको दिखाई दे रहे होंगे ठीक है लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये यह रिपीट हो गया और यहाँ पर कोई भी अवयव रिपीट नहीं हुआ जबकि यहाँ देखिए यहाँ पर भी तो यहाँ दो एरो लगे हैं ये इसको गोली मार रहा है और ये भी इसको गोली मार रहा है लेकिन गौर कीजिएगा सदस्य समूचे एक सदस्य आप लोगों के रिपीट नहीं होने चाहिए ये भले रिपीट हो जाए ये वापस आ सकता है इसको दो बार गोली लग सकती है अलग अलग पर्सन से ठीक है ना लेकिन इसको मतलब एक ही पर्सन एक ही व्यक्ति द्वारा दो अलग अलग लोगों को गोली नहीं लग सकती है तो इसको याद रखने का तरीका मैंने इसीलिए आप लोगों को ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि कौन सा फलन होगा और कौन सा नहीं होगा तो इसमें ये फलन क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ पर समूचे ए का एक व्यक्ति समूचे बी के आ, दो व्यक्तियों को गोली नहीं मार सकता ठीक है ना दो या तीन जितने भी है कहने का तात्पर्य समूचे ए के अंदर कोई भी सदस्य रिपीट नहीं होगा लेकिन यहाँ पर देखिए समूचे यहाँ पर तो रिपीट हो गया लेकिन यहाँ पर रिपीट तो हो चुका है लेकिन यहाँ समूझे एक का कोई भी सदस्य रिपीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है आपका ये आपका क्या हो गया फलन हो गया तो इसका मतलब हमने यहाँ चेक कर लिया है कि फलन कौन कौन से हो सकते हैं एक और विशेष कंडीशन लूंगा उसके बाद फलन का टॉपिक ख़त्म उसके बाद हम टाइप्स के ऊपर आ जाएंगे एक क्या है देखिए एक और मैं चित्र बना देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर ले लिया हमने ये एफ है ये चौथा डायग्राम है अब आप पर देखिए एक दो तीन चार और यहाँ लिख रहे हैं अपन दो तीन चार पाँच चलिए अब यहाँ देखिए अब जरा गौर से देखिए क्या ये फलन हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है ये फलन बिल्कुल नहीं हो सकता है। कारण आपको बता देते हैं समूचे ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे बिजी होने चाहिए कोई भी सदस्य अगर खाली रह जाता है मतलब किसी के पास भी अगर बंदूक नहीं होती किसी एक के पास भी अगर बंदूक नहीं होती है समूचे ए के सदस्य में तो वो फलन नहीं कहलाएगा ठीक है तो अगर हम मैं पूरे ये जितने भी चित्र आप लोगों के सामने जो मैंने बनाए हैं उस चित्र को अगर एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ एक लाइन या दो लाइन में अगर मैं उत्तर देना चाहूँ कि फलन कब होगा और फलन कब नहीं होगा तो इसका मैं आपको दो लाइन में लिख के बताना चाहूँगा पहली कंडीशन फलन होने के लिए फलन होने के लिए पहली कंडीशन है समूचे एक के सारे सदस्यों के पास बंदूक होने चाहिए मतलब सारे बिजी होने चाहिए ठीक है अच्छा पहली कंडीशन ये होनी चाहिए फलन होने के लिए दूसरी कंडीशन ठीक है दूसरी कंडीशन या फिर एक काम कर लो या ऐसा याद रख लो अगर आ, अगर आप आ, इस तरह से याद नहीं रख पाओ तो एक और अच्छा तरीका है कैसे मैं बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये दो एग्जाम्पल याद रख लो अगर ये दो एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए तो आप आराम से फलन है या नहीं है ये पहचान सकते हैं ठीक है ना क्या है इसमें देखिए सदस्य छूट गए समूचे ए के अंदर और यहाँ पर सदस्य ए के सॉरी समूचे ए के सदस्य रिपीट हो रहा है ये पहला वाला यहाँ क्या है समूचे ए के सदस्य कुछ छूट गए हैं और यहाँ पर समूचे ए का एक सदस्य दो बार आ रहा है तीन बार भी अगर आ जाए तो क्या गम है ठीक है ना तो अगर रिपीटेशन हो रहा है और कुछ छूट रहा है तो वो फलन नहीं होने की कंडीशन है आप ऐसे आप अपनी कॉपी और पेन में लिख लीजिए जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ जब भी आप लाइव आते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप अपने कॉपी पेन अपने साथ रखें ठीक है तो अगर ये चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड अगर नहीं भी आया तो सिर्फ़ ये दो चित्र अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप फलन की परिभाषा तो बता ही दोगे साथ में आप फलन भी पहचान लोगे अगर फलन पहचान लिया कि हाँ फलन है तो आप आग आगे कह सकते हैं कि हम एक एक ही और तक फलन को आगे परिभाषित करें सर ठीक है तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फलन नहीं होने की सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन है कि समूचे ए के अंदर कोई भी सदस्य रिपीट नहीं करेगा ठीक है ना ठीक है ना अगर रिपीट करता है एक से ज़्यादा बार सद समूचे ए के अंदर कोई भी सदस्य अगर रिपीट करता है अपने आप को रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है उस अवयव की और समूचे ए के अंदर कुछ सदस्य छूट गए हैं तो वो फलन नहीं होने की कंडीशन है अगर ये दो कंडीशन नहीं मिलती है तो हम सीधा कहेंगे वो कंडीशन कौन सी होगी आपकी फलन वाली होगी ठीक है तो बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया बंदूक और गोली का उदाहरण लेके इस इससे ज़्यादा सिंपल मेरे ख्याल से कोई भी शायद आपको समझा पाए ठीक है तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये इनको नोट कर लीजिए और अगर आप लोगों ने बना लिया है इसको तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब हम क्या करेंगे फलन के प्रकार अच्छा फलन के प्रकार में हम एक एक ही फलन पढ़ चुके हैं लेकिन मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से समझाता हूँ देखिए फलन के प्रकार जब भी फलन के प्रकार पढ़ रहे हो इसका मतलब आपने फलन पहचान लिया कि फलन है या नहीं है पहले वो पहचानो अगर है तो आगे बढ़ो फलन के प्रकार में अगर नहीं है तो फिर वहीं छोड़ दो क्योंकि वो आगे होगा ही नहीं अच्छा ऐसे एम के अंदर आएँगे अबसदा के जो प्रश्न हैं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर या कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हैं ना तो उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है फलन को पहचानना और फलन को पहचानने के बाद उनके प्रकारों के बारे में चर्चा करना तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी फलन के दो प्रकार होते हैं एक होता है एक की फलन एक होता है आपका एकी की और दूसरा होता है बहु एक की ठीक है अच्छा इनको भी आगे दो कैटेगरी के अंदर विभाजित कर दिया है कौन कौन सी कौन कौन सी सर आप पूछेंगे ठीक है ना बताते हैं सर एक है आपका इंटू और एक है आपका ऑन टू इसमें भी इंटू और इसमें भी ऑन टू अच्छा सर हिंदी में क्या कहेंगे डर गए हम सब डर गए अरे डरने के अंतशेपी ठीक है और ये आच्छा दी या आच्छादक ठीक है सेम बात वही है अंत छेपी और अच्छा इसको हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है ना थोड़ा आप हिंदी का और देख लीजिए अगर आपको लगे कि थोड़ा हिंदी अगर मैंने ये वर्ड के अगर कहीं ऊपर नीचे मात्र की तो आप किताब में देख सकते हैं ठीक है ना ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है ठीक है तो अंत छेपी और आच्छादक एक एक ही अंतक्षेपी और आच्छादक हो सकता है यहाँ बहु एक एक भी अंतक्षेपी और आच्छादक हो सकता है ठीक है सबसे पहले सर आपने हमें एक एक ही समझाया ठीक है मैंने आप लोगों को एक एक कल समझा दिया था कैसे कि हर एक का हर एक के साथ ही संबंध है हर एक का हर एक के साथ ही संबंध है इस तरह के विशेष संबंध को हम क्या बोलते हैं एक एक की फलन बोलते हैं ठीक है ठीके? अब मैं आपको समझाऊंगा बहु एक एक की ठीक है बहु एक एक समझाने के बाद फिर मैं इन के आगे जो ये प्रकार दे रखे हैं उनके आगे मैं पढ़ूंगा मतलब आगे पढूंगा ठीक है तो चलिए एक और अपन स्लाइड को ऐड करते हैं और पढ़ते हैं बहु एक एक की ठीक है देखिए बहु एक, -एक, -एक फलन अभी जैसा कि मैंने आप को बताया था बहु एक एक की फलन कौन से गलत हैं? ये ए ये बी इनमें कोई विशेष संबंध दे दिया अच्छा यहाँ मैं लिखता हूँ ये डॉट लगा के ठीक है थोड़े बड़े डॉट लिखेंगे आपको ठीक है और यहाँ पर ये थोड़े बड़े डॉट ठीक है आप चाहो तो ये जो मैंने यहाँ डॉट छोटे बनाए हैं आप लोगों के लिए मैं डॉट बड़े बना दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दें क्योंकि डॉट अगर दिखेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हमारा उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना अगर वही नहीं मिल पाए तो फिर काय के लिए हम कर रहे हैं कोशिश तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये थोड़े डॉट्स में बड़े बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सकें ताकि किसी तरह की कोई समस्या का आप सामना ना कर पाए हमारे होते हुए अगर आप समस्या का सामना कर पा रहे हैं तो ये हमारी असफलता है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये यह मैंने सर्कल आपके लिए बड़े बना दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और दिख भी जाए जब आप चित्र बनाएं तो आपको अच्छे से ये तो देखिए यहाँ पर हम ये देखिए ठीक है अब मेरे ख्याल से आप चित्र आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहे होंगे चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं हाँ चलिए हम बहु एके की फलन को समझते हैं बहु एक की फलन बहु एक की फलन अब इसमें देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहु एक क्या है मैंने आपको बताया था ये देखिए ये इससे संबंधित होगा और ये इससे भी संबंधित होगा ठीक है उसके बाद ये इससे संबंधित होगा और ये भी इससे ही मतलब इस इससे संबंधित होगा मतलब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े वाले ये बिंदु ये क्या बता रहे हैं कि समूचे बी के अंदर जितने भी सदस्य हैं हो सकते हैं सारे के सारे ना हो कुछ एक सदस्य हो तो जितने भी सदस्य हैं वो क्या हो सकते हैं सारे के सारे हो सकते हैं कुछ सदस्य हो सकते हैं जो रिपीट करें ठीक है ना तो अगर यहाँ पर अपने आप को ये पुनरावृत्ति करते हैं सदस्यों की तो तो इस तरह के फलन को हम बोलते हैं बहु एकिकी उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि फलन होगा या नहीं होगा फलन कब हो कब नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर समूचे ए के कोई एक सदस्य या एक से ज़्यादा सदस्य अपने आप की पुनरावृत्ति कर दे तब हम कहेंगे वो फलन नहीं है जब फलन ही नहीं है तो बहु एकीकीी -एक होने का सवाल ही नहीं उठता लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों समूचे बी के अंदर अगर कोई भी सदस्य चाहे एक हो एक से ज़्यादा हो लेकिन अगर अपने आप की पुनरावृत्ति करता है तो हम ये कह सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिया गया फलन क्या होगा बहु एक की फलन होगा क्या होगा बहु एक की फलन होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे बड़ी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको ये बहु एक की फलन समझ में आ गया होगा अब एक एक की फलन आपको समझ में आ गया बहु एक की फलन आपको समझ में आ गया इसी के साथ में हम आगे शुरू करते हैं अच्छा आज मैंने कुछ नया प्रयास किया है कि एक्स वन एक्स टू लिखा नहीं है मैंने बहुत ही प्यारी और बहुत ही सरल भाषा के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है क्योंकि x1, x2 लिखते हैं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर ये चीज़ तो हमें और भी वीडियोस में मिल जाती है आप क्या अलग कर रहे हो तो मैं अलग करने की कोशिश में आप लोगों के सामने ये चित्र इस तरह से ले आया आए हूँ ताकि ये अध्याय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं कुछ अलग तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट वही का वही है ठीक है ना अब आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है भले आप किताब देख लें चाहे कितनी भी किताबें देख लें चाहे कितनी भी वीडियोज़ देख लें सेम कॉन्सेप्ट मिलने वाला है क्यों गणित के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है वही रहता है ठीक है तो इसलिए हाँ हो सकता है जो चित्र मैंने लिए हैं उसके अंदर परिवर्तन कर दिया मैंने x1 x2 एक्स टू ना लेके y1 y2 वाई टू ना लेके ये से अलग कलर के डॉट्स से रिप्रेजेंट किया है ठीक है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए लेकिन एग्जाम में आपको डॉट्स नहीं लेने हैं आपको x1 x2 लिखने हैं समूचे ए के अंदर और समूचे बी के अंदर आपको क्या लिखना है वाई वन वाई टू लिखना है सदस्य ठीक है ना ये तो खाली एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया चलिए आगे बढ़ते हैं आ, आपके आप प्रकार पढ़ते हैं एक -की के एक के प्रकार एक एक के दो प्रकार बताए एक तो बताया आपको इंटू फंक्शन जिसे अंतक्षेपी फंक्शन बोलते हैं ठीक है ना अंतक्षेपी ठीक है और दूसरा है आपका आच्छादक फलन उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम जोड़ते हैं और समझाते हैं ठीक है थीके? देखिए अब हम कहेंगे एक एक फलन में हम पढ़ने जा रहे हैं पहला प्रकार जिसे हम कहते हैं अंताक्षेपी अंता छेपी एक की फलन ठीक है अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे इसको समझते हैं ठीक है अंत छेपी ठीक है ना कुछ लोग यहाँ ये ऐसे भी मात्रा लगा सकते तो आप चेक कर लीजिएगा ये अगर इस तरह से तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा कौन सा शब्द सही है वो आप लोग देख सकते हैं आप अपनी किताबों में ठीक है ऐसा कुछ नहीं है ये थोड़ा आपके गलती नहीं हो सकती है बिल्कुल हो सकती है इंसान है क्यों नहीं हो सकती अगर यहाँ पर ऐसा लगा हो तो लगा दीजिएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर अंतक्षेपी एक की फलन को समझते हैं क्या होता है, है? <coughs> चित्र बनाएं। अब मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर x1, y1, ये सारी चीजें मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि प्रकार के अंदर हम आ रहे हैं ठीक है प्रकार के अंदर आपको एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू लेना जरूरी है बिना इसके संभव नहीं हो पाएगा <coughs> तो देखिए ये सेट ए सेट बी इनमें कोई फलन दिया है एफ ठीक है अब देखिए इसमें हम अभी अब लेते हैं एक्स वन एक्स टू ठीक है यहाँ ले लिया हमने वाई वन वाई टू वाई थ्री अब देखिए x1 का y1 के साथ आ गया x2 का y2 के साथ आ गया ठीक है ठीक है ना एक एक ही है एक एक मतलब पहले एक एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करो फिर उसके बाद अंत छपी की कंडीशन सेटिस्फाई सा, करो ठीक है अच्छा साथ में यहाँ और भी लिख दूँ कि इन टू फंक्शन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको एन टू वन वन फंक्शन भी कहते हैं हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जिनको थोड़ी इंग्लिश जानना जरूरी है ठीक है अब देखिए इसमें समझिए पहले वन वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक का एक के साथ ही आ रहा है दूसरा अंत क्या होगा सर अंत समझने के लिए तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी है पहला आपका प्रांत दूसरा आपका सप्रांत तीसरा आपका परिसर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर यहाँ पर यह जितने भी अवयव हैं ये सारे कहलाएंगे आपके प्रांत ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं इनको डोमेन और यहाँ पर ही जितने भी अवयव हैं इनको हम कहते हैं सहप्रांत क्या कहेंगे इनको सह प्रांत ठीक है इंग्लिश में इनको बोलते हैं कोडोमेन अच्छा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू जो ये वाई वन और वाई टू एक्स वन एक्स टू से रिलेटेड है तो इनको अगर एक ढंग से अगर लिखूँ एफ़ में क्या है एक्स वन का वाई वन के साथ एक्स टू का वाई टू के साथ अच्छा एक्स वन और एक्स टू से जो रिलेटेड है जो विशेष तरह से संबंध से जुड़े हुए हैं उन अवयवों को हम क्या कहेंगे उन अवयवों को हम बोलेंगे परिसर क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों परिसर जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन रेंज ठीक है अच्छा इंग्लिश में रेंज कहते हैं अगर अगर याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ कब परिभाषित होगा अगर यहां मैं बता रहा हूं अगर परिसर उप समुचे हैं सह अलग कलर से बताते हैं आपको यह ले लीजिए अगर परिसर आपका उप समुचे है स्रांत का अच्छा आप उप क्या होता है ये आप लोगों को पता है अगर ये परिसर स प्रांत का क्या है उप समूचे है तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे इस कंडीशन को हम बोलेंगे अंत अंत छेपी एक एक की फलन इंग्लिश में बोले तो ऑन टू फलन तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं भूले ठीक है ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने चित्र के द्वारा समझाई है ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से नहीं समझाएगा जितना कि मैंने आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश की है जरा गौर से देखिए अंतः छेपी एक एक, एक एक फलन क्या कौन सा कहलाएगा यदि परिसर स प्रांत का उप समुचे है लेकिन अब आपकी दिक्कत ये आ गई सर हमें तो उप समुचे पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ग्यारहवीं कक्षा अगर आपने पास की है तो आपको उप समुचे पता होगा नहीं है तो मैं वापस बता देता हूँ वाई वन और वाई टू किसके हैं सदस्य वाई वन वाई टू ये समूचे बी के सदस्य हैं और समूचे बी में जो जितने अवयव है कितने अवयव है वाई वन वाई टू वाई थ्री है तीन अवयव तीन में से दो तो हैं आ ही रहे हैं तो दो का संबंध है तो इसका मतलब समूचे बी के अंदर जितने भी सदस्य हैं ठीक है ना अगर वो पूरे ना आके कुछ एक गाते हैं परिसर के रूप में और वो परिसर आपके सब प्रांत का क्या हो जाए क्या हो जाए उप हो जाए परिसर अगर सब प्रांत का उपसमूचे कहने का मतलब परिसर अगर उप हो जाए सब प्रांत का तो हम उस कंडीशन को उस शर्त को क्या बोलेंगे अंतरछेपी और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहूँगा कि समूचे बी के जो सारे सदस्य हैं वो सारे सदस्य नहीं आएंगे अंतर्छेपी के अंदर सारे सदस्य समूचे बी के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो अंतर्छेपी एक की फलन में नहीं आएंगे कुछ ही सदस्य आएंगे ठीक है तो कुछ ही सदस्य आएंगे तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अंतक्षेपी एक एक ही फलन इन टू वन वन फंक्शन ठीक है तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया है और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए मेरे ख्याल से कमेंट मुझे इसके रिगार्डिंग कोई दिख नहीं रहा है तो मेरे ख्याल से अब दिखेगा ही भी क्यों इतने इजी वे में आपको समझाया है फिर भी अगर कमेंट आती है तो फिर इससे बड़ी बात और इससे बुरी बात क्या आ सकती है क्योंकि देखिए मैंने चित्रों के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश की है अलग अलग कलर लेके आपको समझाने की कोशिश की और मेरे ख्याल से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग पढ़ लो चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के ले लो ये टॉपिक आता ही आता है अगर ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हो गया तो आपके इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही रहने वाले हैं अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे बढ़ें बिल्कुल बढ़ते हैं चलिए अब मैं आगे कराने जा रहा हूँ इसका दूसरा प्रकार एक एक ही फलन का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं इसको नंबर वन आप दे सकते हैं यहाँ पर ये नंबर वन हमने पढ़ा अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड हम ऐड करते थे <coughs> देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक की ही फलन का दूसरा प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे आच्छादक आच्छादक एक आच्छादक एक की, की फलन ठीक है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप लोग बड़े आराम से देख पाएंगे ठीक है तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर से देखिए अब इसको भी हम जल्द से जल्द समझते हैं ताकि समय की बचत हो जाए देखिए जिन विद्यार्थियों को अच्छा इसको इंग्लिश में भी तो लिखते हैं इंग्लिश में लिखिए इंग्लिश में लिखेंगे ऑन टू वन वन फंक्शन ठीक है तो देखिए इसको समझते हैं अब इसमें क्या है अगर पीछे वाला डायग्राम समझ में आया तो ये वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा सेम टाइप का डायग्राम लेता हूँ अच्छा क्या डायग्राम था ओके ये था तो देखिए यहाँ पर दो गोले बना दिए हैं एक को समूचे एक कह दिया दूसरे को समूचे बी दोनों के बीच में एक संबंध दे दिया एफ ठीक है अब यहाँ लिख दिया मैंने एक्स वन एक्स टू और यहाँ लिख दिया मैंने वाई वन और वाई टू और दोनों के मध्य ये देखिए पहले एक एक की कंडीशन होनी चाहिए एक का एक के साथ संबंध एक का एक के साथ संबंध तो ये एक ही -एक संबंध हो रहा है साथ में onto टू का भी आप कंडीशन बताइए onto टू के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको कल कुछ याद आ रहा है क्या याद आ रहा है कल मैंने आपको कुछ समझाया था ये इधर वाले जितने भी अवयव कहलाते हैं ये प्रतिबिंब कहलाते हैं और इधर वाले अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं इंग्लिश में बोले तो ये इमेज कहलाते हैं और ये प्री इमेज कहलाती है अच्छा ओन टू के लिए जरूरी है कि समूचे बी के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे समूचे बी के जितने भी सदस्य हैं उन सब की उन सब की कम से कम कम से कम आपकी प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए सर इसका क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आए थोड़ा चित्र के द्वारा समझते हैं चित्र क्या कहेगा कि जो परिसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जो परिसर होगा वो सब प्रांत के क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए जो ये चीज़ जो होगी ठीक है ये जो चीज़ होगी वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी आपके देख लीजिए ठीक है ये देख लीजिए हो सकता है आपको कुछ आ, आ, ये डायग्राम आपको किसी की पूछ लगे लेकिन क्या करें थोड़ा सा अलग तरीके से बताना ज़रूरी है ठीक है न हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब परिसर बराबर स प्रांत आए जब परिसर बराबर क्या आ जाए आपका स प्रांत आए थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं हम ठीक है तो और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं देखिए 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 आराम से और यहाँ पर भी थोड़ा ठीक है अब थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं यहाँ पर यह देखिए ये इस तरह की कंडीशन अब देखिए अब आपको आराम से दिख रहा होगा ठीक है अच्छा तो देखिए परिसर बराबर प्रांत आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं एक on अच्छा तक एक एक ही फलन या ऑन टू वन वन फंक्शन अच्छा परिसर क्या होता है मैंने बता दिया है और उसके बाद में प्रांत क्या होता है बता दिया मतलब समूचे बी के अंदर जितने भी अवयव हैं जो परिसर भी है और प्रांत भी है मतलब सारे के सारे अवयव सारे के सारे अवयव समूचे बी के सारे के सारे अवयव समूचे ए के किसी ना किसी सदस्य के साथ क्या होंगे विशेष संबंध से जुड़े होंगे तो इस तरह के विशेष फलन को अच्छा तक एक एक फलन बोलते हैं मतलब परिसर बराबर प्रांत आना चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा एक एक ही फलन का दूसरा विशेष टाइप का ठीक है तो मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छा अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए परिसर भी y1 वन वाई है और स प्रांत भी आपका ये है तो दोनों वही के वही हैं तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी आच्छादक कंडीशन के लिए आच्छादक का मतलब आच्छादक एक -एक, एक एक फलन के लिए अब ये सेम टू सेम डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे बहु एक -एक, एक, एक एक फलन में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वही है बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डायग्राम कैसे चेंज होगा मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए अब हम पढ़ेंगे बहु एक की फलन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मैनी वन वन फंक्शन ओके मैनी वन वन फंक्शन में मैंने वन वन फंक्शन में देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है ठीक है इसमें क्या है यहाँ पर इसके भी दो प्रकार हम डिस्कस करते हैं पहला प्रकार पहला प्रकार है हमारे पास में पहला प्रकार है हमारे पास में अंत अंत शेपी बहु एक की फलन बहु एक की फलन ठीक है इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिर हम समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे फिर इसके ऊपर जो प्रश्न है वो हम कल लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे ठीक है तो अगर फिर भी अगर यहाँ तक कोई इश्यू आ रहा है किसी भी तरह का आपको कोई समस्या का को, समाधान अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वापस से आइए लाइव और कमेंट कीजिए कि सर हमें ये टॉपिक आपने जो समझाया उसमें ये दिक्कत आ रही है अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर कीजिए और अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप आराम से वीडियो देखिए जितना हो सके लाइक कीजिए जितना हो सके शेयर कीजिए जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश कीजिए ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए बहुत ही काम का वीडियो है ये अगर जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ठीक है अच्छा ये कॉम्पिटिशन वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है ठीक है ना आप ऐसा मत सोचिए कि बोर्ड एग्जाम के लिए है ठीक है चलिए अंतक्षेपी बहु की एक 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 फलन में क्या है चित्र बनाते हैं हम तो पहले बहु एक की फलन होना चाहिए बना देंगे क्या है प्रॉब्लम यहाँ ले लिया मैंने x1 x2 एक्स यहाँ मैंने ले लिया y1 y2 अच्छा बहु बहुक के लिए जरूरी है कि ये रिपीट होना चाहिए हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका देख लीजिए ठीक है और ये यहाँ पर आ गया ठीक है एक और ले लेते हैं x3 थ्री अवयव ये x3 थ्री अवयव किससे संबंधित हो जाएगा या छोड़ सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं है ठीक है एक्स थ्री को छोड़ दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए अब देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बहु एक एक ही फलन नहीं है या नहीं बिल्कुल है ये एक ही और ये अब दो के लिए यूज हो रहा है मतलब ये आपका रिपीट हो रहा है किसके साथ में एक्स वन और एक्स टू के साथ में ये आपका दो बार आ रहा है एक बार तो एक्स वन के साथ आ रहा है एक बार एक्स टू के साथ आ रहा है तो ये बहु एक एक की फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर दिया ठीक है तो कोई इशू नहीं साथ में अब देखना है कि अंत छेपी है या नहीं अंतक्षेपी छेपी के लिए मैंने आपको बताया परिसर जो है परिसर जो है साहिए उप समूचे होना चाहिए तो देखो हो रहा है यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है गौर से देखो हम्म यहाँ पर गौर से देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो परिसर है आपका उप आ रहा है सह, सह प्रांत का कहाँ आ रहा है सर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ परिसर है मेरे पास y1 और ये सब प्रांत आ रहा है किसका y1 और y2 का तो ये सब प्रांत है या नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी किसकी अंतरछेपी फलन की अंतरछेपी भी है साथ में बहु एक, एक एक फलन भी है ऐसी टेक्निक आपको कोई बताने वाला नहीं है भले आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके देख लीजिए इस तरह के प्रकारों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर होता है और अगर आपने यहाँ समझ लिया तो बाकी के वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतने इतनी ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं आप लोगों को चलिए फटाफट एक लास्ट ख़त्म करते हैं दूसरा है अपना इसी के अंदर हम ले लेते हैं दूसरा है, एग्जाम्पल दूसरा क्या है दूसरा टाइप इसका दूसरा टाइप है सर आच्छादक आच्छादक बहु एक की फलन अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ ठीक है अब इसमें देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ ठीक है नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो एक नेक्स्ट स्लाइड और ले ली अब आच्छादक आच्छा बहु एक की फलन ठीक है अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आचादक बहु एक, एक की फलन को कैसे वही चित्र बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये और ये ये ए और ये बी इनमें कुछ विशेष संबंध एफ दे दिया यहाँ मैंने लिख दिया x1, x2 और x3 यहाँ लिख दिया मैंने y1, y2 ठीक है बिल्कुल 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 अब देखते हैं इसका इसके साथ भी संबंध है इसका इसके साथ भी है और इसका इसके साथ भी है तो ये, ये यहाँ पर है। थोड़ा पीछे मैंने एरो लगाए हैं क्या बिल्कुल एरो यहाँ लगाना भूल गया था इसलिए लगा दिए अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए यहाँ पर जो भी आपको ये जो स प्रांत है वो बराबर आ रहा है किसके परिसर के जब इस तरह की कंडीशन हमारे सम्मुख आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं आच्छादक बहु एक एक फलन यहाँ देखिए सह प्रांत भी y1 और y2 है परिसर भी y1 और y2 वाई टू है सह और परिसर दोनों वाई वन और वाई टू है तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों के ये अच्छा तक बहु एकी की एक 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 फलन हो गया अब ये फलनों के सारे प्रकार पूरे हो चुके हैं अब हम सवालों की तरफ गति करेंगे लेकिन आज इतना ही कर पाएंगे क्योंकि लाइव सेशन हो चुका है कंप्लीट और हाय सर इंस्टाग्राम आर्यन राजावत हाय हाय बेटा कैसे हो आप बड़े लेट आए अब मुझे आप बताइए ये टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को समझाया है बहुत मेहनत से समझाया है अगर जो बच्चे लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं वो इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वापस से देख लीजिएगा रिकॉर्ड हो चुका है ठीक है अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें एक कमेंट करके आप बता सकते हैं ठीक मेरे प्यारे बच्चों और जिन बच्चों ने एपेक्स क्लासेस की ऑनलाइन uh, uh, मतलब एप्लीकेशन को परचेज़ कर लिया है एप्लीकेशन के अंदर भी इस कोर्स को अगर परचेज़ कर लिया है आर बोर्ड और सी बोर्ड के पाठ्यक्रम को अगर उन्होंने कोर्स uh, को अगर है ना परचेज़ कर लिया है तो वहाँ पर उस एप्लीकेशन के अंदर एक सपोर्ट नंबर दिया है उस सपोर्ट नंबर पर जाके आप uh, अपनी uh, अपने अपनी प्रॉब्लम को आप बता सकते हैं मतलब वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं ठीक है और आपकी समस्या को समाधान जितना जल्दी हो पाए गा या नहीं हो पाएगा तो इसके बारे में आपको बता दूँ उस सपोर्ट नंबर पर अगर आप अपनी समस्या पूछेंगे तो उस सपोर्ट नंबर पर आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा ठीक है और बाकी जो यूट्यूब पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ ये टॉपिक ये नहीं आया या हो सकता है यहाँ पर हमें कोई दिक्कत आई लेकिन मैंने इतने इजी वे में समझाया मुझे लगता है ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा का और चित्रों के द्वारा इसका वर्णन किया है ठीक है देखिए कॉमेंट देख लेते हैं वापस कब पढ़ाते हो आ, आ, मैं भी अभी अभी, अभी, अभी आया हूँ ओके देखिए Uh, आर्यन जी हम uh, सवा छः बजे लाइव होती है हमारी क्लास सवा छः बजे से लगाकर सात बजे तक आज छः मिनट ज़्यादा हो गए हैं ठीक है ना तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं आपके संपर्क में उनको आप मेरा ये यूट्यूब मतलब एपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप मेरा ये टाइमिंग उन बच्चों को बता दीजिए कि सवा छः से लेकर सात बजे तक हमारी कक्षा बारह के कक्षा बारह की गणित का लाइव सेशन हमारा चलता है उसमें हम प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन तो जो बच्चे वाकई में सीरियस है पढ़ाई को लेकर वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आ, क्लास दस का भी है बेटा दस का भी टाइमिंग यहाँ पर शो होता है ठीक है नब दस का भी यहाँ पढ़ाते हैं तो चलिए विद्यार्थी हो हम एक काम करते हैं आज का ये लाइव सेशन यहीं एंड करते हैं और हमेशा की तरह आप लोगों से यही मैं कहूँगा ये कल प्रश्न हम करेंगे आज हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हमेशा की तरह मैं कहूँगा इस ऐप को लेने के लिए आपको इस क्यू आर कोड को स्कैन करना है और कोई प्रॉब्लम है तो इस एप्लीकेशन के अंदर ये सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, इस सपोर्ट नंबर पर आप अपनी समस्या बताकर अपना हल ले सकते हैं अपनी समस्याओं का और उसी के साथ में ये एपेक्स स्कूल चैनल का हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा एपेक्स कंपटीशन चैनल है और ये हमारा डिफेंस एकेडमी है और इसी के साथ में मैं थैंक यू कहता हूँ और फिर से आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सभी बच्चों को लाभान्वित करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं सेशन को एंड करता हूँ और